सुबह हो गया फिर आ गया, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो हमने 2017 में एक ख्वाब देखा था और आप लोगों ने उसकी ताबीर की और अल्लाह ताला ने बरकत डाली और आज हम इस जगह पे पहुँचे कि आज हम उन चीज़ों को सेलिब्रेट करें। और ये मैंने नहीं किया, ये सब आप लोगों ने किया। और हमारा एक आइडिया था, जेएमएसएम का विजन था, उस विजन के ऊपर मेहनत थी और उस मेहनत के बाद अल्हम्दुलिल्लाह उसको फार्मर की रीच में, फार्मर के हाथ में बजाना आपका काम था, वो आपने बजाया। और मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे बड़ा जो कारनामा है, क्रेडिट गोज टू यू। एक मिनट ताली। क्योंकि विजनरी लीडर जो है वो आइडिया जनरेट करते हैं, फिर उसके ऊपर मेहनत करते हैं, रिसर्च करते हैं और उसके बाद फॉरवर्ड जो होते हैं वो उसको पाया तकमील तक पहुँचाते हैं। और हमेशा ये अल्लाह ने एजाज़ फोर बदर के हिस्से में रखा कि हमने मार्केट को हमेशा एक नया ट्रेंड दिया, नई जिद्दत दी। हमेशा ये हमेशा से इस इंडस्ट्री में एजाज़ हासिल है जेएमएस साहब को कि उन्होंने जिस तरफ भी इस इंडस्ट्री का रुख मोड़ा, लोग उसको फॉलो करते हुए उस डेस्टिनेशन पर पहुँच गए। तो आज मैं समझता हूँ कि जो लोग समझते हैं कि यह स्मार्ट एग्रीकल्चर एक लफ्ज़ का नाम है और इसके पीछे कोई चीज़ नहीं है, इंशाल्लाह ताला कि 2018 जब ख़त्म होगा तो आप देखेंगे कुछ लोगों ने आप दबे अल्फाज के अंदर वो नाम लेने शुरू कर दिए हैं, किसी ने तोड़ के, किसी ने जैसे उन्होंने जेवर लॉन्च किया था तो किसी ने जेवर लॉन्च कर दिया, किसी ने कुछ लॉन्च कर दिया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह 2018 में लोग इसको समझना शुरू करेंगे और 2019 में जब इसको समझेंगे तो इंशाल्लाह ताला हम किसी और जगह पहुँच चुके होंगे इंशाल्लाह ताला। ये बेसिकली मैं आपको जो 2016 और 17 के अंदर जो हमने खोया जो पाया उसका एक जायज़ा आपको दे रहा हूँ। बहुत सारे लोग इस दिल थाम के बैठे हुए हैं कि क्या रिजल्ट निकलने वाला है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक चीज़ जो बड़ी इसमें देखने वाली है कि बहुत सारी चेंजेस आई हैं। पहले एक वक्त था जब सिंध जो था वो सारा कुछ लेके जाता था, अब कुछ चीज़ें जो हैं रुख बदलना शुरू हो गई। अगर मैं रीजन वाइज शेयर देखूं तो ये जो ग्रीन लाइन है आपके पास ये आपकी है 2016 की और इसके साथ 2017। पहले नंबर पे सर्वर लंदन में 252 से 356 पे शायद जो है ये मैं समझता हूँ कि ज़्यादा मुबारकबाद के लायक है कि कोई ये 150 से 200 वैसे तालियां सर्वर के लिए भी बनती थी। जवेद अंजम जो है 215 से 200 के अंदर, क्योंकि इनकी डायरेक्टी में कुछ डीशफलिंग हुई जिसकी वजह से 2017 के अंदर गए। उसके बाद तारिक साहब आए ग्रीन टू लाहौर के अंदर, इन्होंने भी अभी 2-3 महीने में चार्ज संभाला अल्हम्दुलिल्लाह, दे आर गोइंग वेल। उसके बाद फसकरला मेमन 83 से 102। नेक्स्ट रीजन वाइज सेल टेरिटरी पर टेरिटरी, सर ने पर टेरिटरी का मतलब पर टीएम जो है एवरेज जो कैलकुलेट हुई है सेल उसके ऊपर पर टीएम की एवरेज क्या है। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी जंप है कि 19.4 मिलियन पर टेरिटरी का उठा के 27.7 मिलियन का
सारे आठ सर्वर ने बंदे करके बिठाया है, मैनेज किए हैं। जवेदनियम 21.5 अगेन 20 मिलियन शाह जवे रियली मार्वलस रियली रियली वेल डन शाह। अब जरा ग्राफ देखिए कि कैसे कैसे चेंज हो रहा है। इसमें जब आप प्रोडक्ट वाइज आएंगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर जो स्मार्ट एग्रीकल्चर था उसने क्या कंट्रीब्यूट किया, फिर आपको अंदाजा होगा कि स्मार्ट एग्रीकल्चर ने क्या रेवोल्यूशन लेके आया। ऐसे नहीं आपको सिग्जैक नजर आ रहा। उसके बाद फजलुल्ला मेमन है 13.8 से 17. वेल डन फजलुल्ला भाई, शाबाश। उसके बाद तारिक साहब ने, चूँकि अभी रिसेंटली ये हमारा जोन जो था बेसिकली एक साल से क्लोज था और हमने रिसेंटली शुरू किया। नेक्स्ट टॉप फाइव जोन ओवरऑल सेल्स में सक्खर फिर नंबर ले गया और उसके बाद 2017 में फिर नंबर वन नवाब शाह। नवाबशाह नंबर टू, उसके बाद लाड़का नाम मीरपुर खास। 2017 में आप देखेंगे मीरपुर खास से लाड़का नाम में शामिल हो गया, फिर उसके बाद 82-16 में उसके बाद 103 हैदराबाद अल्डन बेस फसलुल्ला, फिर 74-17 का 93। नेक्स्ट टॉप फाइव लोन सेल्स पर टेरिटरी, सक्खर 2016 में 28.25 पे था, अब 27.90 पे। मीरपुर खास 21 पे था, 21 से नीचे डीजी खान आ गया। वेल्डन अकबर भी 27 मिलियन पर टेरिटरी। इसके बाद नवाबशाह 19, उसके बाद नवाबशाह ही तीसरी जगह पे है। चौथी जगह पे लाड़कना था, अभी भी लाड़कना ही है। उसके बाद साईवाल की जगह पे हैदराबाद रिप्लेस करके। नेक्स्ट टॉप 10 टेरिटरीज ओवरऑल सेल्स, आप इसमें भी देखेंगे चेंजेस आ रही हैं। पहले ये पहले नंबर पे 2016 में मीरपुर था, उसकी जगह पे जरवार आ गया, वेल्डन था। उसके बाद उमरकोट से सक्खर और शदादपुर सक्कर, फिर नवाबशाह कोटकी। अभी इसमें देखिए चेंजेस आ रही हैं, पहले किसी जगह पे भी आपको कोई पंजाब का शहर नज़र नहीं आता था, लेकिन अब वो नीचे देखना 2017 में अल्हम्दुलिल्लाह साईवाल एंटर हो गया। और लास्ट पे हवेली आ गया। सो इस लाइन के अंदर दो स्टेशन ऐड हो गए हैं, तो ये मैं समझता हूँ सिंध वालों के लिए लम्हा फिक्री है। नेक्स्ट टॉप 10 टेरिटरीज न्यूट्रंट सेल्स, पहले नंबर पे 2016 में था उमरकोट, उमरकोट की जगह पे आप वो चला गया सक्खर में। इसी तरह टंडोला यहाँ से हवेली लखा, हवेली लखा ये भी ग्रीन जोन, मीरपुर से क्वेटा, कुरनी से जरवार, सक्खर से फिर बागपतन। अब देखिए सक्खर पहले नंबर पे था और ये चौथे नंबर पे आप बागपतन चला गया। इसी तरह कोट गुलाम अहमद की जगह पे हड़प्पा आ गया, नवाबशाह की जगह पे खानपुर आ गया, वेल्डन अमीर हुए। मीरपुर खास आला, उसके बाद टंडवादम, कोटकी, हड़प्पा फिर आ गया। मैं समझता हूँ कि ये पंजाब के लिए बड़ी खुशी की बात है कि पहले तो मुकाबला कोई नहीं होता था, लेकिन अब मुकाबला होना शुरू हो गया। और मेरा ख्याल है कि मुझे उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह 2018 में पंजाब पूरा जाग जाएगा। नेक्स्ट ये प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन है कि अब देखिए ये जो आपका साइकिल बना हुआ है इसके अंदर स्मार्ट एग्रीकल्चर का पोर्शन आप देखते हैं 35% ऑफ द टोटल सेल। ये है वो चीज़ कि जिसने चीज़ों को बदल के रखा है।
कि जिसने स्मार्ट एग्रीकल्चर को देखा, जिन्होंने स्मार्ट एग्रीकल्चर को फोकस कर लिया, उन्होंने बिल्कुल चीज़ों को चेंज कर दिया। जिन्होंने दरमियान में हुआ या आखिर में याद आया, वो शायद वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। बड़ी क्लियर पिक्चर है, 35% ऑफ द टोटल बिजनेस टुवर्ड्स द स्मार्ट एग्रीकल्चर। तो मैं समझता हूँ कि अगली दफा इसको और श्रिंक हो जाना चाहिए। पता चले कि अबाउट 90 जो है स्मार्ट एग्रीकल्चर ही बेचे, बाकी बेचे हैं मशीन। और यही पका, इसी में आपकी, फार्मर की, मेरी, और इसमें मुनाफा एक तरफ है। मैंने सुबह भी कहा था, मुनाफा एक तरफ, पैसे एक तरफ, पैसे को छोड़ दें, सिर्फ फार्मर को फोकस करें कि मेरा फार्मर स्मार्ट एग्रीकल्चर। और यकीन माने कि अगर हम उसको इस पर ले जाने पर कामयाब हो गए, तो इस मुल्क की तकदीर बदलेगी, किसान की तकदीर बदलेगी, इस मुल्क की भी तकदीर बदलेगी। नेक्स्ट, प्रोडक्ट प्राइस वैल्यू 2017, इसमें भी आप देखें चेंजेस आ रही हैं कि चीज़ें चेंज हो रही हैं, प्रोडक्ट चेंज हो रही हैं। नेक्स्ट, टॉप 10 स्मार्ट गोल्ड, जुलोन गोल्ड आप देखें कहाँ चली गई है। और शेयरों अंदाज़ा करें कि हमने मेरा शायद 2 महीने पहले लॉन्च किया, अक्टूबर के एंड में या मिड में ऐसे ही था। और आप यकीन माने कि कभी किसी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता। और मैं आज भी समझता इतराफ़ करता हूँ कि उसको जो मिक्सिंग वाला उसका इश्यू है, काफ़ी क्रिटिकल है, लेबोरियस काम है। लेकिन एक्चुअली जिस दवा से आराम आया है वो इस्तेमाल होता है। वो लेबोरियस काम के बावजूद भी जिस फार्मर को फ़ायदा हुआ है, उस फार्मर ने वो तंगी भी काट ली है, आगे जाकर उसको सुख मिल गया। तो ये मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें हैं जो आपके सामने प्रूफ हैं। आप जिस खेत में आपने शेरू डाल दिया और उसके अंदर सारा कुछ निकल आया, अगर सीड भी कमज़ोर था तो उसकी भी जर्मिनेशन हो गई। तो अगर आपका हर एकड़ शेरों का एकड़ बन गया, तो अंदाज़ा करें कि आप कहाँ पे हो, आपका बिजनेस कहाँ पे हो। सिर्फ एक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, अभी बाकियों की बात नहीं कर रहा। तो ये शेरों का कमाल है कि चीज़ें कहाँ से कहाँ चली गई। नेक्स्ट, शेरू शाह जवेद वेल्डन भाई, फ़र्क भले थोड़ा सही लेकिन फ़र्क तो है। शाह जवेद जो है टॉप ऑफ द लाइन है, उसके बाद सर्वर सेकंड नंबर पे है, जवेद अंजम तीसरे नंबर पे है। और मैं समझता हूँ कि तारक साहब के लिए बहुत ही मुबारकबाद है कि वो अभी 2-3 महीने में ज्वाइन किया, अभी उन्होंने सदर बनाया और शुरू कर दिया। फजकुल्ला मेमन, बस चलो कोई गल नहीं, एकदम ऐसे इसके लिए बता रहे हैं। शेर टॉप 10 जोन, ये भी है शक्कर है, शक्कर के बाद देखिए पाक पतन ले गया, फिर इसके अंदर साहिवाल भी ऐड हो गया, फिर साहिवाल के बाद बिहाड़ी भी ऐड हो गया, फैसलाबाद भी ऐड हो गया। ओ के पे की जिंदाबाद है लकीबुल्ला वेल्डन, लकीबुल्ला भी इस दौड़ में शामिल हो गया शेरों की दौड़ में। और मेरा ख्याल है इंशाल्लाह ताला जब आप अगली स्लाइड अगली दफ़ा देखेंगे तो हो सकता है ये किसी पहली 2-3 लाइनों में खड़ा हो जाए। लकीबुल्ला वेल्डन, लकीबुल्ला वेल्डन का ये छोटा सा बच्चा है कि हमने सवाल में रखा था। घबराया, अगले साल समझ और आएगी, अगर ये सोचते रहेंगे तो फिर समझ कुछ और आएगा। तो इसलिए सोच का दायरा बड़ा करें, और बड़ा करना बड़ा ज़रूरी है। इधर खड़ा होगा, मेरा खड़ा भी पता है, ये है वो के पी के का बच्चा सा जिसने ज्वाइन किया हमें, और अलहमदिल्ला गर्डन गर्डन। शुरू
top 10 territories. Phir Sakhar, Haveli, Kunri, uske baad Hujra, mashallah, Hujra bhi aa gaya abhi. Haan, Hujra bhi aa gaya. Aisha Valan hai. Uske baad Bagpatan, ye bhi Saival zone ka hissa hai. Uske baad Chakanpur Mehr bhi hai abhi. Chalo Valan bhi. Sidoro Valan bhi. Uske baad Harappa, Aravala, Chichavali. Next. Top 10 dealer. Sure. Kukrija Pesticide Agency. Zindabad bhi pehle nahi. Mukshi hai? Top 10 dealers. Iske baad national level. National bhi. GNS Pesticide hai. Salepat. वासिया सफरे सेंटर आशा मुबारक हो आपको साई वाला ना तालियां तो मार दो कोई आशा उसके बाद मुशर्रफ खान केपीएम उम्मीद उम्मीद मुबारक हो भी सुनील लम्हा फिक्री आपके ठीक लम्हा फिक्री आपके लिए इसका उसके बाद रीत क्या अच्छा अच्छा मोहम्मद अमरी पेस्टिसाइड उसके बाद जी अलसा अलसा की मुबारक हो जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह ये सबसे बाद में आए और आगे निकल गए उसके बाद सलाम बलोच फार्म पन्नू आकल बंगश जरी ये हमारे दोस्त जिन्होंने शेरू बेचा है और मैं समझता हूँ कि ये उनकी बहुत बड़ी हिम्मत है कि उन्होंने दो महीने के अंदर इसको लॉन्च भी किया और इसको अचीव भी किया वेल डन वेरी एंड नेक्स्ट मोजा अब ये देखिए ये जो मैं उस ग्राफ के ऊपर आपको बता रहा था ये है मोजा आप इस मोजा की आप स्लाइड देखें ज़रा कि इसने पूरी पिक्चर को चेंज कर दिया ये पहला साल था ये तीसरा चौथा साल नहीं था पहले साल में तो लोगों को लफ्ज़ याद नहीं आते छेले करना तो बहुत दूर की बात है लफ्ज़ याद नहीं आते और आप ये देखें कि कितने कितने यूनिट इसके बिके नेक्स्ट जैसिकल ये जो सुबह बातें हो रही थी कि नॉकडाउन इफेक्ट आप यकीन करें नॉकडाउन इफेक्ट आप जो सुबह स्लाइड आपको दिखा रहे थे कि उसको चादर बिछाएं स्प्रे करें और उसके बाद अगर 10 मिनट के बाद रिजल्ट ना आए तो पैसे वापस ये है नॉकडाउन इफेक्ट इधर से आपने स्प्रे किया और साथ ही उसके बाद खत्म नेक्स्ट समिट मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा क्रेडिट है कि ये आप लोगों ने जितनी डेडिकेटेड के साथ डेडिकेशन के साथ काम किया ये कोई आसान काम नहीं है इतने यूनिट बेचना कोई आसान काम नहीं बहुत बड़ी बात है ये रियली ये आप लोगों की बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपकी मेहनत है जब आप चीज़ों को फोकस कर लेते हैं ना यकीन करें जब आप अरादा कर लेते हैं किसी चीज़ का मेरा अल्लाह इतने स्वाब बनाता है इतने स्वाब बनाता है कि आप सोच नहीं सकते लेकिन वो कहता है अरादा तो करें आप सोचे तो नहीं मैंने स्मार्ट एग्रीकल्चर में जाना मैंने कुछ बेचना ही नहीं हो जिस दिन आपने यहाँ से निकलने से पहले ये इरादा कर लिया कि मैंने स्मार्ट एग्रीकल्चर करना और करना ही कुछ नहीं है आप यकीन देखें कि 2018 के अंदर कैसा इंकलाब हुआ मैं सुपिल कुल इस बात की गारंटी देता हूँ कि आपने अगर जेन में ये डाल लिया कि आज के बाद हमने स्मार्ट एग्रीकल्चर बेचना उसके अलावा कुछ नहीं बेचना ये नहीं कि हम आपको नहीं देंगे आप जो मांगेंगे देंगे हमारे पास हर स्टॉक मौजूद है
ऐसा नहीं है कि हम आपको स्मार्ट एग्रीकल्चर वाला प्रोडक्ट नहीं देंगे, जितना कहेंगे प्रोडक्ट देंगे, लेकिन हमारी जो प्रायोरिटी है अपने फार्मर को फ़ायदा देना, हमारी प्रायोरिटी है अपने फार्मर को फायदा देना ताकि उसकी यील्ड बढ़े, उसका नुकसान कम हो, उसका खर्चा कम हो। नेक्स्ट क्रूज, आप कभी आप सोच सकते हैं कि एक आइटम जो आप लॉन्च करें और वो 50,000 से क्रॉस करें? बहुत अच्छे शक्कर माशाल्लाह वेल वेरी वेल डन, मतलब ये पहले साल की चीजें पीछे हैं, 17,000 मेरपुर का, 17,000 बिहारी, 15,000 उसके बाद हैदराबाद 5,000, पाकपतन 5,000, साहिबाल बागबाग, ये सारे पीछे वाले चारों स्टेशन जो हैं ये पंजाब के। तो ये है वो स्मार्ट एग्रीकल्चर, वो जो आप 35% ऑफ द टोटल सेल की पिक्चर देख रहे थे वो ये है। अगर इसको एलिमिनेट कर दें तो फिर देखें क्या है, और इंशाल्लाह ताला मेरे अल्लाह ने चाहा तो ये 35 को हम इस दफा 90% में लेके जाएंगे। नेक्स्ट लैंड मास्टर, मैं समझता हूँ इसमें मैं समझता हूँ कि लम्हा फिक्र है ग्रीन वन और ग्रीन टू वालों के लिए, क्योंकि आप ये देखें कि जहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब पंजाब के नॉर्थ के स्पेशली मुकाबले में जहाँ कुछ नहीं है वो कहाँ पहुँच गए, और जहाँ सब कुछ है वो बहुत नीचे है। तो मैं समझता हूँ कि स्पेशली ये प्रोडक्ट है, ये स्पेशली एक्सक्लूसिवली नॉर्थ का प्रोडक्ट है, और इसके ऊपर नॉर्थ वालों को फोकस करना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि पहली लाइन जो थी वो नॉर्थ की बननी चाहिए थी, लेकिन जहाँ और भी हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट कोशिश करेंगे। नेक्स्ट ब्लास्टर, वेरी वेल, सारे चेहरे जो हैं मेरे सामने खड़े हैं और धमक रहे, चमक रहे हैं, मतलब ये वो चमक है जो मुझे नज़र आ रही है कि इन्होंने डेडिकेशन की है, इन्होंने फोकस किया है कि हमने ब्लास्टर भेजना है। ये फ्रंट रो में मेरे सामने बहुत सारे चेहरे ऐसे बैठे हैं जो कि चमक रहे हैं कि जी ये हमारा आज़ाद है कि हमने ब्लास्टर भेजा, और यकीनन ये बहुत बड़ा आज़ाद है। तो ये है हमारी स्मार्ट एग्रीकल्चर। नेक्स्ट फार्मर फील्ड, पहला बड़ा मैदान जंग, ये है जो 2018 की प्लान है। मैं समझता हूँ कि ये पहला जो सवाल है, अगर इस सवाल को हम पूरा कर गए तो आपको इंडस्ट्री का कोई बंदा आगे जाने से नहीं रोक सकता। यही राज है, ये जो आपने लाइनें देखी हैं बढ़ती चढ़ती ऊपर नीचे लाइनें देखी हैं, जहाँ फील्ड वर्क हो रहा है वहाँ ये सारी लाइनें ऊपर जाएंगी इंशाल्लाह। जहाँ फील्ड वर्क नहीं होगा वहाँ शायद ये लाइनें नहीं बनेंगी, स्पेशली स्मार्ट एक्ट की तो लाइन बनेगी नहीं, क्योंकि स्मार्ट की लाइन बननी तब है जहाँ फील्ड वर्क होगा, जहाँ फील्ड का काम नहीं होगा वहाँ स्मार्ट की लाइन नहीं बनेगी। और मैं समझता हूँ कि हमने हर जोन्स के ऊपर भी बनाए हुए हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए हुए हैं, तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि सिर्फ सेल टीम्स के यूजुअली कमेंट्स आते हैं लेकिन हमारे दोस्तों के कमेंट्स नहीं आए, ये गिला मुझसे है, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि उसको हमें एक्टिवेट करना चाहिए और पार्टिसिपेट करना चाहिए हमारे बिजनेस पार्टनर्स को, कि जहाँ जहाँ हमारे फलाह मौजूद हैं वहाँ पे उनको पिन पॉइंट करना चाहिए अगर किसी जगह पे काम नहीं हो रहा। तो मैं समझता आप मेरा बंदा हम आप एक ट्राई हैं, तो इस ट्राई एंगल को हमें पूरा रखना चाहिए, रखेंगे तो उतना काम बनेगा, उसके बगैर काम नहीं बनेगा। तो
तो जहां भी काम नहीं है और आप उसको आप जरूर व्हाट्सएप पे शेयर करें। काश्तकार हारी के साथ खुशबूत राज का फार्म एडवाइस वही जो मैंने बातें की हैं, नमाइशी प्लाट हर दोस्त के एरिया में, अगर मैं समझता हूँ कि अगर वहाँ पे डेमो नहीं होते, फील्ड वर्क नहीं होता, फार्मर मीटिंग नहीं होती, आपको हाईलाइट करना चाहिए। कंपनी इस मामले में हर वो कुछ करने के लिए तैयार है जिसकी जहाँ ज़रूरत है। हम बेबहा सैंपल देते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है डेमो लगाने में। आप कहेंगे मेरे एरिया में 50 डेमो लगा दें, हम 50 डेमो भी लगाने के लिए तैयार हैं। सो इसलिए आप अपने जो जो मेरा नुमाइंदा आपके पास मौजूद है उसको मजबूर करेंगे कि मेरे इलाके में डेमो लगाएं। अगर नहीं लगते तो व्हाट्सएप शेयर करें, मैं आपके पास खुद आऊँ। ये साल हमारा सारा साल फील का साल है। मेरी दरख्वास्त आपसे ये है अपने बिजनेस पार्टनर से कि इसमें हमारे हेल्प करें, और अगर कहीं वर्क नहीं हो रहा, कहीं फील्ड वर्क नहीं हो रहा, कहीं मीटिंग नहीं हो रही, फॉर्म मीटिंग नहीं हो रही, काइंडली हमें उस व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें। कता तलक इसके लिए किसको कोई मैनेजर देख रहा होगा या इसको कोई पीएम देख रहा होगा, आप करें, आप हमारे बिजनेस पार्टनर, हम तीनों मिलकर काम करेंगे तो इसलाह आगे तभी बढ़ सकते हैं, उसके बाहर बढ़ नहीं सकते। फील्ड ऑफिसर्स इंतहाई वो जो मैंने आपको बातें कर ली है, फ्रेंचाइज फील्ड ऑफिसर, मॉनिटरिंग एंड सपोर्ट, मॉनिटरिंग एंड सपोर्ट का सिस्टम हम लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह ताला। वो कुछ आज मेरा ख्याल है लोगों में इंस्टॉलेशन भी हो गई है उनके मोबाइल्स के ऊपर ऐप्स, और अगली ऐप्स तैयार हो रही है, इन प्रोसेस है। मेरा ख्याल है विद इन इंशाल्लाह विद इन फरवरी वो ऐप्स भी आप लोगों के पास पहुँच जाएंगे, और उसमें आप अपनी ट्रैकिंग कर सकते हैं, हर चीज़ नज़र आएगी आपको, ऑनलाइन सब चीज़ें नज़र आएंगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट बिजनेस कम प्राइसेस फील्ड डिमांड, ये तो फैसला आपने करा। वो 100 का बेचता पे है, वो 150 का बेचता पे है, और 250 का बेचता पे है। अगर तो हमने वही जो पहली तीन शेल्फों में जो दानियाल साहब कह रहे थे, अगर तो हमने वो पहली तीन शेल्फों में रहना है तो फिर तो यही होगा जो लिखा हुआ। अगर हमने चौथी शेल्फ पे बैठना है तो उसके लिए ये काम सारे होंगे, और यकीन माने कि उस चौथी शेल्फ के अलावा आप कोई कारोबार नहीं। महफूज तरीन किला समझने, महफूज तरीन शेल्फ समझने वो यही है, और अगर हम इस महफूज तरीन को बचा गए और इस पर काम कर गए तो फिर इसका कोई सब। आपने स्लोन गोल्ड बेचनी है या आपने क्रूज बेचना, प्लास्टिक बेचना, उसका तो है ही कोई नहीं, कंपटीशन ही नहीं, लैंड मार्क कंपटीशन, कौन प्राइस कंपेयर करेगा, जोड़ेगा भी एक्स्ट्रा भी लैंड भी दिया नहीं। फिर दूसरी बात यह है कि वो स्मार्ट होगी, जब वो स्मार्ट होगी और उसने काम कर दिया तो उसके बाद बातें खत्म होगी सारी। सो इसके ऊपर मैं समझता हूँ सिर्फ बड़ा बिजनेस करना है, मुनाफा पक्ष बड़ा बिजनेस, मुनाफा पक्ष तो सिर्फ कारोबार है। काफ़ी सारे बंदे हैं ऐसे जिनसे मैं खुद पर्सनली जानता हूँ, मिलता हूँ, कि वो समझते हैं कि मुनाफा पक्ष बड़ा कारोबार करना चाहिए। बड़े का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया कि सोच तो बड़ी होनी चाहिए ना, सोच में तो कोई पाबंदी नहीं है यार, हमें सोचना तो चाहिए। मैं अल्लाह से मांगता तो वो गुफुर रहीम है, जब वो गुफुर रहीम है तो खुल के तो मंगना चाहिए था यार, मंगनी तो कोई जरूरत, मांग तो सकते हैं ना, वो मांगने का हक तो दिया हुआ, तुम खुल के मांगना चाहिए, मांगने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। मैं जो दिल में आता मांगता हूँ आपको भी मांगना चाहिए। कारोबार में सिर्फ पैसा लगाना नहीं, अगर मुझसे पूछे तो कारोबार में पैसा लगाना बिल्कुल मैं क्रॉस मार देता हूँ। जो दोस्त समझते हैं कि सिर्फ मैंने 2 करोड़ रुपए का माल ले लिया है
तो ये बहुत बड़ा काम किया है, वो यकीन करें नहीं गलत है। जब तक आप अपने कारोबार में खुद इन्वॉल्व नहीं होंगे, जिस दिन आप खुद इन्वॉल्व हो जाएंगे उस दिन आप देखें कि वो दो का चार है इंशाल्लाह। लेकिन जिस दिन आप कहेंगे नहीं सर मैं पैसे लगा कर पीछे एयर कंडीशन कैबिन में बैठ जाऊं, तो फिर नहीं होगा, कभी नहीं होगा। मैं पिछले साल गया हुआ था तफाक से, मैं जाना पड़ गया सक्कर, तो हमने वहाँ पे फॉर्मल मीटिंग्स दो तीन किए, मैंने खुद जा कर कंडक्ट किए और सर मेरे साथ हम गए और बड़ा लुत्फ आया कि मतलब लोग यकीन करें कि लोग चाहत रखते हैं कि मेरे पास कोई है। और आप माशाल्लाह अपने अपने एरिया के टाइकॉन हैं, आप अपने एरिया के चैंपियन हैं, लोग आपकी बात मानते हैं। तो जब आपको अल्लाह ताला ने इतना कुछ नवाजा हुआ है तो फिर उसको इनकैश कराना चाहिए, उसको जाना चाहिए, इन्वॉल्व होना चाहिए। आपका हल्का अहबाब बढ़ेगा, लोग आपको समझेंगे, आप लोगों को समझेंगे, कुछ लोग आपको पढ़ाएंगे, कुछ किसी को आप पढ़ाएंगे, उसका फायदा है। जो दोस्त नहीं इन्वॉल्व है वो 2018 के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करके देंगे। और अगर साल के एंड पे उसको फर्क महसूस हो तो फिर ठीक है, मुनाफा अपने बाद रख ले। और अगर वो समझे कि यार मैं भी काम किया, मुंडे ने भी काम किया तो नुकसान हो गया, तो मैं पैसे का देता, यकीन माने मैं गारंटी देता हूँ इस बात में, मैं वो पैसे का देता हूँ। ये भरी महफिल में कह रहा हूँ, किसी अकेली जगह पे नहीं कह रहा, लेकिन ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। जब आप कदम के साथ कदम मिला के चलेंगे आप यकीन करने अल्लाह की रहमत ही रहमत, फिर आपके खुद नए रास्ते मिलते जाएंगे, आप खुद नए रास्ते पे आएंगे। वक्त अपने कमाल है। नेक्स्ट मेरे ख्याल ये सारी बातें ऑलरेडी डिस्कस हो गई हैं, उसमें कीमतें भी प्रोडक्ट की दस्तियाबी भी, ये समझता हूँ कि ये अल्लाह की वजह से कि ये अदास हमें हासिल है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी में हम यकीन रखते हैं और इसको पूरा भी करते हैं। ऐसा नहीं होता कि लोग पैसे दें हमें, बल्कि जब लोग पैसे देते हैं तो हमें फिक्र होती है कि यार इनके पैसे कैसे लौटाएं, माल की तरह हम माल की तरफ से होते हैं कि माल जाना चाहिए। लोग शायद एडवांस लेके खुश होते हैं, हम माल दे के खुश होते हैं कि पैसे आए हैं तो माल दे। तो ये अल्लाह ताला ने हमें एक एजाज पूछा हुआ है कि हमें ये चीज़ें मिलती रहती हैं, ऐसा नहीं होता कि हमें ये चीज़ें ना मिलें। तो इसमें मैं समझता हूँ कि ये हमारा फ़र्ज़ भी है, ऐसा नहीं है कि मतलब ये हमको दे के आसान कर दें, ये हमारा फ़र्ज़ भी है कि इन चीज़ों को हम पहरा दें। ये नहीं कि जब माल चाहिए तो सोच के जी कोई नहीं तो एंड दे दिए ऐसा माइक्रो न्यूट्रन ले जाएगा, तो इंशाल्लाह ताला पहले भी पहरा देते रहे इस पे, उसके बाद भी पहरा दें। मुनासिब कीमतों का तयन, जब हम चौथी शर्त में होंगे तो ये मुनासिब कीमतें भी और खातर खा मुनाफा भी, जब हम चौथी शर्त से नीचे आएंगे तो फिर ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी, और चौथी शर्त मिलेगी फील्ड वर्क के साथ, डेडिकेशन के साथ, उसके बगैर। तो मैं समझता हूँ कि इसमें थोड़ा सा आपका कंट्रीब्यूशन चाहिए हमें। पहले भी होगी, उसके बाद ये जाना जो मैंने आपको कहा था इलाका के तमाम फजलात सब्जियात बात पर तवज्जो, ये जो तवज्जो है ना ये वही बातें मैं कर रहा था कि ये आपकी तवज्जो दरकार। हम
यकीन माने कि शेयरों की जब हम बात करते हैं ना, हम एक एकड़ पे एक बोरी की बात करते हैं। अगर हम यही शेयरों जरा हट के थोड़ा सा बगात पे ले जाएंगे तो उसकी दो तो चार बैंड पर है, क्योंकि फी पौधे के हिसाब से डालते हैं। तो आप अंदाजा करें कि अगर आप उस तरफ थोड़ा सा निकल जाए तो 1:4 क्वांटिटी का तवाजन बनेगा, 1:4। और हमें इस साल इनको फोकस करना चाहिए, और स्पेशली जहाँ जहाँ पे बवाद लगते हैं, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा सेगमेंट है कि जो शायद हम इग्नोर कर देते हैं, या शायद हम समझते हैं कि यार बस एंडिंग सेल होनी सी हो गई है, उसके बाद जरूरत पड़ी। ऐसे भी हैं लोग जो कहते हैं बस बहुत हो गई सेल, यार बस अपने और निकलना। ये जो सेल बहुत हो रही है उसके बाद रुकना जो होता है ना, ये रुकना ही सबसे बड़ी खराबी है। जब अल्लाह रिस्क दे रहा है तो आप खुद क्यों रोक रहे हैं, आप कौन होते हैं रोकने वाले? वो मेरा अल्लाह रिस्क दे रहा है तो आप तो रोक ही नहीं सकते उसको, उसने देने देना है। वो आप ना भी करना चाहेंगे वो तब भी करवा लेगा आपसे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें हर छोटी छोटी क्रॉप को फोकस करना है। हमें सिर्फ कॉटन वीट को फोकस नहीं करना है, हमें हर छोटी से छोटी क्रॉप को फोकस करना है, सारी चीज़ों को फोकस करना है। नेक्स्ट है ये मेरा हाल आगे का। नेक्स्ट ये जो हम उसके मेजरमेंट वगैरह जो चीज निकालते हैं। नेक्स्ट ये सारी चीज़ें मैं हर सुबह बातें होंगी सर। नेक्स्ट थैंक यू वेरी मच।